हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में। पिछले दो वीडियो में डिस्कस किया था एसी डायनेमिक ब्रेकिंग और सेल्फ एक्साइटेड कैपेसिटर ब्रेकिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे देखते हैं हम डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग कैसे होती है, ठीक है। तो इस ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारी थ्री पीस सप्लाई कनेक्शन होते हैं सारे, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सभी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं मोटर से, ठीक है, और एक डीसी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं किन्हीं भी दो फेस के बीच में, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, कोई डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन है तो हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, हमने सारे से थ्री फेस जो थे, ठीक है, तीनों फेसों को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और किन्हीं भी दो फेस के बीच में, ठीक है, किसी भी दो फेस के बीच में हमने यहाँ पे डीसी सप्लाई कनेक्ट कर दी, ठीक है। डीसी सप्लाई हम जैसे ही नहीं किन्हीं भी दो फेस के बीच में, तो इस तरीके से तीनों फेस हटा के, ठीक है, डीसी सप्लाई किन्हीं दो फेस के बीच अपन ने कनेक्ट किया, तो ये जो हमारा है ये हमारा बन गया टू लीड कनेक्शन कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इस वाले फेस को भी इसी से कनेक्ट कर दें डीसी सप्लाई से, तो बस इस तरीके से अगर हम कनेक्शन कर दें तो हमारा कहलाता है थ्री लीड कनेक्शन, ठीक है। तो सेम कनेक्शन हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्टार स्टार कनेक्शन भी है तो हम सेम सेम टाइप का कनेक्शन उसमें भी करते हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो फेस के बीच में डीसी सप्लाई कनेक्ट करना है, ठीक है, तीनों थ्री फेस सप्लाई हटा के, ठीक है। तो हम जैसे ही क्या करते हैं कि थ्री फेस सप्लाई हटाते हैं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर पर होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से, जो भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें मिलती है जब क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज करता है रोटर के साथ, ठीक है। जैसे ही फ्लक्स लिंकेज होगा रोटर के साथ तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो क्या आएगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट इंड्यूस्ड होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है, इंड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है, रोटर में, तो स्टेटर में। तो वो क्या करती है कि जो रोटर हमारा होता है, ठीक है, उसकी वजह से रोटर पे क्या होता है, टॉर्क लगने लगता है, टॉर्क तो रोटर क्या होता है, रोटेट होने लगता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रोटर होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर की, ठीक है, उसको हमेशा चेस करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है हमेशा, ठीक है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रोटर रोटेट होने लगता है, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि अगर हम क्या करें, उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, ठीक है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब हमारी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड, है ना, तो एनएस, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड एनएस। तो अगर हम क्या करें, हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, ठीक है, जो एनएस है, ठीक है, उसको अगर हम स्टैटिक करते हैं, स्टेशनरी करते हैं, है ना, तो उसकी एनएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जो एनएस है वो डिपेंड करती है हमारी किस पे, सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, क्योंकि हमारे एनएस होता है, एनएस जो होता है वो हमारा होता है 120 एफ अपॉन पी, ठीक है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, ठीक ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एन एस है वो किस पर डिपेंड करती है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, डीसी सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, थ्री फेस कनेक्शन हटा दिया, ठीक है, थ्री फेस सप्लाई हटा दिया, हमने क्या किया, किन्हीं दो फेस के बीच में, ठीक है, डीसी कनेक्शन कर दिया। तो हम जैसे डीसी कनेक्शन किया तो डीसी कनेक्शन, डीसी सप्लाई में हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी हमारी क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी जीरो होती है उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑप्टेंड हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से रोटर क्या है, अभी रोटर क्या कर रहा था, सिंक्रोनस स्पीड को चेस करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारा, अब हमारी स्टेशनरी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड थी वो कैसे हो गई, स्टेशनरी हो गई, ठीक है, स्टेटिक हो गई। तो अब रोटर क्या करेगा, अभी रोटर क्या करेगा, उसी को चेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब एन एस हमारी क्या है, जीरो है, तो रोटर रोटर क्या करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, मतलब रोटर की स्पीड भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो और फाइनली वो क्या होगा कि जो एन एस हमारा इज इक्वल टू जीरो, उस पर क्या हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोटर हमेशा क्या करता है, मिनिमम फ्लक्स लिंकेज होने देता है, ठीक है, वो चेस करने की कोशिश करता है ताकि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड को चेस करता है, क्योंकि हम जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या हो, मिनिमम, ठीक है। तो जैसे 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 हम फ्रिक्वेंसी को जीरो करेंगे तो हमारी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और फिर रोटर क्या करेगा, उसी क्योंकि हमेशा एनएस को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसी डायरेक्शन में अलाइन होता जाएगा, ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ हमारा जो फाइनल जो है वो स्टॉप हो जाएगा रोटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी मोटर में जो है वो ब्रेकिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए कि जैसा कि मैंने बताया कि जो ये नोट्स है, ठीक है, स्टार्टिंग से देख लिया,
तो इस तरीके से हम टू लीडर अपना कनेक्शन करेंगे, 3 फेज AC सप्लाई हटा के किन्हीं भी 2 फेज के बीच में DC सप्लाई लगा देंगे बाय द हेल्प ऑफ बैटरी। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें ऑब्टेंड होती है स्टेटर पे, ठीक है, ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज है रोटर हमेशा क्या करता है, मिनिमम फ्लक्स लिंकेज होने देता है। ठीक है, इसकी वजह से वो क्या करता है, हमेशा चेस करने की कोशिश करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो रोटर में क्या होता है, ठीक है, ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज विद रोटर एंड EMF इंड्यूस्ड। ठीक है, EMF इंड्यूस्ड होता है, इसकी वजह से करंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, रोटर की खुद की भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है, जो क्या करती है, चेस करती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर की, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा रोटर क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, मिनिमम फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, फ्लक्स लिंकेज मिनिमम होता है, जिसकी वजह से रोटर क्या होता है, रोटेट होता है। ठीक है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उसको पकड़ने की कोशिश करता है हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो ब्रेकिंग है वो वर्क करता है। ठीक है, अगर हम अदर वर्ड में देखें तो हम क्या करते हैं, जब जैसे हम स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ठीक है, DC सप्लाई देके स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, तो जो पोल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, रोटेटिंग थी, तो पोल्स भी क्या थे, उसके रोटेट हो रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो हमारे पोल्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थी उसके जो पोल्स हैं वो भी स्टेशनरी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी क्या होगी, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, सो एंड इफ रोटर इज रोटेटिंग, सो ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर। ठीक है, अब अगर क्या हो रहा है, रोटर हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर, रोटर की खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि रोटर में क्या होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है, करंट आता है, करंट आने की वजह से क्या होता है, उसमें भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो फील्ड होगी, ठीक है, तो उसके भी खुद के भी क्या होंगे, एन और एस पोल्स होंगे। ठीक है, ठीक है, आर प्रेजेंट, सो द स्टेशनरी पोल्स एन एस अट्रैक्ट द रोटर्स पोल्स एंड अपोज टू रोटेट। ठीक है, एंड मोटर विल स्टॉप। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि ये होगा हमारे क्या, स्टेटिक, हमारे स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो उसके पोल्स भी क्या होगा, स्टेशनरी होगा, एन यहाँ पे आ गए, ऐसे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो हमारे रोटर के पोल्स थे, ठीक है, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेट हो रहे हैं खुद के जो पोल्स से रोटर के। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही रोटेट होगा तो हमेशा ही क्या होता है, जो रोटर के पोल्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पे एस पोल बनेगा, यहाँ पे एन पोल बनेगा। ठीक है, रोटर रोटेट होगा लेकिन यहाँ पे हमेशा एस पोल बनेगा, यहाँ पे हमेशा एन पोल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एन है और यहाँ पे एस है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो एन और एस है, ठीक है, हम जानते हैं कि मैग्नेट्स जो होती है वो अपोजिट पोल्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो एन पोल है वो एस को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे जो एस पोल है वो यहाँ एन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा एस पोल बनेगा, यहाँ पे हमेशा एन पोल बनेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, उसकी वजह से हमारा मोटर क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, रोटर हमारा जो रोटेट होना है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, इनर्शिया, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोटर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग बाय द I2R, मतलब कॉपर लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉपर लॉस होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इनर्शिया की वजह से। ठीक है, लोड इनर्शिया होता है, तो इनर्शिया की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारे हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है, जैसे कि सेल्फ एक्साइटेड कैपेसिटर ब्रेकिंग में हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ था, कॉपर लॉसेस हुए थे। ठीक है, तो वो कॉपर लॉसेस की वजह से जो मैकेनिकल एनर्जी थी ना इनर्शिया की, उसकी वजह से ये जो क्या होता है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार नोट देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग। ठीक है, ये मैं इसी में समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये सिमिलर है DC डायनेमिक ब्रेकिंग या फिर AC डायनेमिक ब्रेकिंग की जैसा सिमिलर, इसलिए इसी को मैं इसी में डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है कि हमें जो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, ऑल जो वाइंडिंग होती हैं जितनी भी, अगर हमारे पास स्टार कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तो उसकी जो सारी वाइंडिंग्स होती हैं हम उन्हें क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद हम उसमें या तो AC सप्लाई देते हैं या फिर DC सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इन दिस करंट फ्लो इन ऑल वाइंडिंग आर इन सेम फेज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या, अब क्या है, वाइंडिंग्स जो हमारी सारी हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन मैंने लिया है, इसमें क्या है, सारी वाइंडिंग्स जो है वो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी है, तो इनमें जो करंट फ्लो होगा, या तो चाहे हम AC सप्लाई दें या DC सप्लाई दें, करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, सभी फेज में, जो सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में क्या होगा, करंट हमारा फ्लो होगा। ठीक है, सो इट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड जीरो सिक्वेंस। ठीक है, जीरो सिक्वेंस ही क्यों कहलाया, इसमें क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी सिक्वेंस नहीं है, सारे क्या है, सेम फेज में है, तो इसमें क्या है, जीरो सिक्वेंस हो गया।
ठीक है, इसलिए इस वजह से हम क्या बोलते हैं, जीरो सीक्वेंस या नो सीक्वेंस ब्रेकिंग। ठीक है, सो इफ वी प्रोवाइड सप्लाई एंड ब्रेक द मोटर, सो 1/3 ऑफ ओमेगा एम ब्रेकिंग इज पॉसिबल। ठीक है, वेयर ओमेगा एम इज द मोटरिंग स्पीड। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इसमें सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, मोटर को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, एसी सप्लाई प्रोवाइड कराएं, ठीक है, और मोटर को क्या करें, ब्रेक करें, तो हमारी जो मोटर है उसमें 1/3 ऑफ ओमेगा एम ब्रेकिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, मतलब जो हमारी ब्रेकिंग होगी ओमेगा एम जितनी है, मतलब मोटरिंग स्पीड जितनी है, उसकी 1/3 ब्रेकिंग हमें पॉसिबल होती है। ठीक है, 1/3 ब्रेकिंग, 1/3 ब्रेकिंग जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, वेयर जो ओमेगा एम जो हमारा है वो हमारी मोटरिंग स्पीड कहलाती है। तो मोटरिंग स्पीड की 1/3 हमें ब्रेकिंग मिलती है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड डीसी सप्लाई होल रेंज ब्रेकिंग इज ऑप्टेंड। ठीक है, एंड ब्रेकिंग टेक्निक विल बी सेम एज द डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करके डीसी सप्लाई इसमें प्रोवाइड करें, डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी फुल रेंज ब्रेकिंग होती है। ठीक है, ठीक है, तो होल रेंज की ब्रेकिंग मतलब कंप्लीट ब्रेकिंग हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, सेम जैसे सेम टेक्निक होती है डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग का, इसीलिए मैंने इसको डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग के साथ ही समझा दिया, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग में ब्रेकिंग पॉसिबल होती है, सेम ब्रेकिंग यहाँ पे ही पॉसिबल होती है। ठीक है, अगर हमें होल रेंज की ब्रेकिंग चाहिए तो हमें डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग ही अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्क ये रहता है कि यहाँ पे क्या होता है, जीरो सीक्वेंस ब्रेकिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो जीरो हो जाता है, बाकी इसकी जो टेक्निक है वो सेम है डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग की जैसे। लेकिन अगर हम एसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड एसी सप्लाई, तो हमें 1/3 ऑफ ओमेगा एम ब्रेकिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका ये जो कर्व है कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा ओमेगा एम रहेगा और यहाँ पे टॉर्क रहेगा हमारा। ठीक है, तो अगर हम एसी सप्लाई देते हैं तो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की तरह वर्क करता है। ठीक है, एसी सप्लाई में रीजनरेटिव ब्रेकिंग की तरह वर्क करेगा, तो उसी की तरह इसमें कर्व बना है। ठीक, और अगर डीसी सप्लाई देते हैं तो इसका कर्व ऐसा बनता है कुछ इस तरीके से, इसमें फुल रेंज ब्रेकिंग पॉसिबल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसको क्लियर करूँगा। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।